इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। गुड दिन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। अब इस परिवार को बचाने की कोशिश करना बंद करो तुम। पता नहीं क्यों अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी हमें यकीन नहीं हो रहा कि अंगद जी दुर्गा जी को मारने की कोशिश कर सकते हैं। कल सुबह तक का समय दे दीजिए हमें। जिंदल साहब, हमें असली गुनहगार का पता चल गया। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। पर कुछ सजा दिलवाने के लिए हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना बहुत जरूरी है। अंगद जी का तो असली चेहरा मैं देख ही नहीं पाई। एक आप ही तो हैं जो मेरा प्यार है। हम एक बार मिल सकते हैं? लेकिन मैं वापस कैसे आ सकती हूँ? पर रेवती, कौन है वहाँ? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। हमने तय किया है कि जब परवीन पर हमला करने आएगा तो इनकी जगह बेड पर हम लेट जाएंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। ओम समुगच के दंतस्य च कपिलः। मेरा हाथ छोड़ो मेरा हाथ। ये इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जरा अपनी नजरें फिराकर फिर से एक बार देख लो चारों ओर। तुम्हारी सास बहू और पति की जान अब मेरे कब्जे में है। बचा सको तो बचा लो और मुझे रोक सको तो रोक लो। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। दादी, गुड्डन। उठ जा। नहीं पहनना मुझे। चल पहन फटाफट। चार जिंदगियां लगी है दांव पर, क्या गुड्डन से समय पर सबको बचाना हो पाएगा? गुड्डन ने अपने तीनों रिश्तों को तो बचा लिया, पर 5 सेकंड भी अगर सांप का जहर उसके शरीर में रहा तो पता है ना क्या होगा? मुझे तो लगा था मैं ही हार गया, पर यहां जिंदल साहब, आपकी गुड्डन तो जिंदगी से हार गई। गुड्डन नहीं नहीं, नहीं। गुड्डन चलो। अरे मरेगी वो, चलो मरेगी। नहीं, नहीं गुड्डन, तुम मुझे यूं छोड़ के नहीं जा सकती। गुड्डन, यूं मेरी जान बचाकर तुमने अपनी जान क्यों मुझे बताया क्यों नहीं? गुड्डन जी उठिए। गुड्डन, गुड्डन, गुड्डन नहीं। इससे पहले कि जहर पूरे शरीर में फैल जाए, डॉक्टर को बुला लो जल्दी से। नहीं, नहीं। कुछ नहीं होगा गुड्डन को, कुछ नहीं होगा गुड्डन को। मेरी बच्ची को बचा। मैं जहर फैलने ही नहीं दूंगा। हट जाइए सब लोग। तेरी जान भी चली जाएगी बच्चे।
नहीं लेना। नहीं बाप, नहीं, कुछ नहीं होगा गुड्डन को। गाड़ी निकालो। नहीं गुड्डन। प्लीज भगवान जी मेरी दी की जान बचा लीजिए। इस परिवार के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब उन्हें ऐसे नहीं छीन सकते हमसे। प्लीज उनकी जान बचा लीजिए। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा गुड्डन। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम यूं इस तरफ बीच सफर मेरे प्यार को और हमारी इस कहानी को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकती गुड्डन। तुम अपने जिंदल साहब के पास वापस आना होगा तुम्हें। प्लीज वापस आ जाओ गुड्डन। ये जिस्म है सुलगता जिस्म। सु आवाज छे। उसकी आवाज ऐसे है जैसे। सर अब ये बंदी डबिंग करने को रेडी नहीं है तो बताओ क्या करें। पिक्चर बंद कर देते हैं। ये हमारी नई किराएदार पाखी जोशी और ये मेरा पोता। इसी के चक्कर में ना मेरा इंटरव्यू छूटा था और इसने मेरा फोन भी तोड़ दिया बेवकूफ लड़की। ये पारेख परिवार की आचार संहिता है। अगर तुझे इस घर में रहना है तू शपथ खा और बोल कि मेरा पोता झूठ बोल रहा है। हमें सदर साहब ने शरिया बोर्ड के फंक्शंस का ऑफिशियल प्रोग्रामर मुंतखब किया है। ये बेहतर होगा कि आप घर जाएं और सबको कल के इस जश्न में आने के लिए तैयार करें, नहीं तो शहर काजी साहब के हुक्म की तौहीन हो जाएगी। ईद का जश्न किसी भी हाल में होकर रहेगा। वो ऐसा नहीं होने देंगे। सारा को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। तुम्हारे डैड तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम को और तुम्हें छोड़ के चले गए। ये झूठ है। ये सच है प्राची। तुम्हारे अपने डैड तो नहीं इसलिए तुम मेरे से मेरे डैड जीना चाहती हो। तुम इतनी बुरी हो कि एक दिन तुम्हारी मॉम भी तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। इनफ। तुम्हें जो बोलना है ना मुझे बोलो। मेरी माँ के बारे में या मेरे पापा के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर लोगे प्राची? क्या कर रही हो तुम? हाथ मत लगाओ मुझे। क्या कर लोगे प्राची वरना? क्या कर रही हो? अगर प्रीता टाइम पर आ गई होती ना तो मैं शैलेन की असली औकात उसको दिखाता। लेकिन नहीं, आज उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मेरे मुंह पे तमाचा मारा, मेरे घर पे खड़े हो। उस प्रीता की वजह से मेरे भाई की जिंदगी खराब हो गई और शैलेन इस घर की बहू बन गई। वो शैलेन, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको जान से मारने की कोशिश की, नहीं छोड़ूंगी मां। उसे छोड़ने से पहले अपनी बहन की जान तो बचा ले। मतलब सॉरी ऋषभ जी, मुझे मेरी जिंदगी में कोई सौदा नहीं चाहिए, इसीलिए उस प्रीता को तो मरना ही पड़ेगा। जैसी पापी इसी सजा के लायक है। बेस्ट है वेदांत, अब जाके थोड़ी सी जान वापस आई। थैंक यू अभी। तुम्हें सीरियसली ये भी नहीं लग रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ? खुद समझ जाऊँ उससे पहले तुम खुद मुझे बता दो। मेरे विश्वास के इतने टुकड़े मत करो पूर्वा। पूर्वा तुम कोई इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हो मुझे? आपको सीरियसली नहीं पता कि क्या हुआ? क्या नहीं पता है पंखू, रिपोर्ट में क्या है? बस दी, ये बात मैं आपके मुँह से सुनना चाहती थी। ठीक है, अगर आपको जानना ही है तो मैं भी आपको एक डॉक्टर के नाते बता देती हूँ कि क्या पंखो दी, मैं मासी बनने वाली हूँ। आप प्रेग्नेंट हो। ये नहीं हो सकता। मुग्धा, मैं एसीपी राणे, तुमसे अथर बापट के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। तुम अथर बापट को जानती हो ना? अब तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े? मैंने। तो नए कपड़े कौन देगा? मैं। कैदियों के कपड़े पहनने की आदत डाल लो, क्योंकि मुग्धा ने
बयान देने के लिए हामी भर ली है। हेलो, कौन बोल रहा है? आपने जिनको फोन किया है वो यहाँ काली घाटी पे घायल पड़े हैं। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए।